हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भूषण रिपेयर्स में। ये देखिए, हमारे पास ये एक्सटेंशन बोर्ड रिपेयर के लिए आया है। ये लेक्सस कंपनी का है, काफी पुराना एक्सटेंशन बोर्ड है, हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसमें हमने मेंस लगा ली है। मेंस का जो भी इंडिकेशन है, कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ऐसे हम देख रहे हैं। ये टेस्टर है, टेस्टर से अगर हम चेक कर रहे हैं तो कहीं फेज भी नहीं है। देखिए, ऐसे ऑन ऑफ करते हैं, ये ओनली ये ग्रीन वाला इंडिकेशन दिखा रहा है। इसमें बता रहा है कि न्यूट्रल ओपन है। अगर ये वाला इंडिकेशन लगता है तो न्यूट्रल ओपन है, अगर ये वाला इंडिकेशन लगता है तो ग्राउंड ओपन है। ऐसे इन्होंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। अब हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए इसे खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ वायरिंग निकली है या जली है, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ ये सर्किट बोर्ड है। ये देखिए, यहाँ पे लाइन आई हुई है, ये अर्थिंग है, ये न्यूट्रल है और ये फेज है। तो हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि सप्लाई आया है कि नहीं है। ये देखिए, ये इससे यहाँ पे टेस्टर लगना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे, ये ग्राउंड को तो छोड़ ही दीजिए, ग्राउंड पे टेस्टर नहीं लगता है, यहाँ पे टेस्टर लगना चाहिए। देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे फेज आ रही है। स्विच को ऑन करते हैं, जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो फेज जा रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आना चाहिए। तो हम इसे अभी, हम इसे सीरीज लैंप पे चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक सीरीज लैंप है, तो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें ये टेस्टिंग करने में आसानी हो। ये इसका 3 पिन मेंस कॉर्ड है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सीरीज लैंप ऑन है, हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ये एक साइड में है, इसे यहाँ से टच करते हैं, फेस तो आ रही है, इसके बाद न्यूट्रल को टच करते हैं, ये न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल ओपन है। यही से हमें पता चल जाता है कि न्यूट्रल ओपन है और ये फेज है यहाँ से यहाँ तक। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, देखिए स्विच ऑन करने के बाद ये भी पता चलता है कि स्विच खराब है, स्विच कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का भी कॉन्टैक्ट है नहीं। अगर न्यूट्रल का कॉन्टैक्ट होता तो ये अभी यहाँ पे भी ये बल्ब लगता। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें वायरिंग भी इसकी देखनी पड़ेगी, मेंस कॉर्ड जो है वो देखेंगे। ये स्विच जो है इसको भी चेंज कर लेंगे और आगे का काम करेंगे। फ्यूज भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, ऐसे अगर फ्यूज भी ओपन होगा तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन फ्यूज ओके है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ कॉन्टैक्ट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कॉन्टैक्ट है नहीं। ये सब टेस्टिंग में हमने फ्यूज कैसे टेस्ट करना है सीरीज लैंप पे, ये भी चेक कर लिया। स्विच को कैसे चेक करना है सीरीज लैंप पे, ये भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद ये जो 3 पिन मेंस कॉर्ड है, यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी लेनी है, वो भी हमने चेक कर ली है। इतनी सारी बातें हमने चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे स्विच खराब है, वायर भी खराब है, यानी कि वायर कहीं ओपन है और स्विच भी ओपन है। तो चलिए इसे चेंज करते हैं, उसके बाद फिर से इसे टेस्ट करेंगे। काफ़ी पुराना स्विच है, तो ये स्विच खराब हो चुका है। ये कुछ अंजलि नाम की कंपनी है, उसका स्विच है। तो सेम ऐसा स्विच मिलेगा या नहीं, ये हम देखेंगे। अगर ऐसा स्विच मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये जो स्लॉट है बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्विचेस आते हैं उनका ये स्लॉट बड़ा होता है। तो चलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं, कैसे स्विच है वो भी देख लेते हैं। हमें ये सर्किट बोर्ड हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्किट बोर्ड ओके है। सिर्फ ये जो वायर है, ये प्रॉब्लम थी, तो वायर को हमने काट लिया है, ये नई वायर बिठाएंगे। ये देखिए, हमारे पास ये मेंस कॉर्ड है। इसके बाद ये एंकर कंपनी का स्विच है, तो मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा उसका जो स्लॉट है वो बड़ा करना पड़ेगा। अगर ये बैठ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं बैठता है, अगर वहाँ पे फिट नहीं होता है प्रॉपरली, तो हमें ये थोड़ा काटना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे भी एडजस्ट करके देख लेते हैं, थोड़ा ही हो जाए तो कर लेंगे। होल वगैरह भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, तो हम मैच कर लेंगे उसको भी। तो ये मेंस कॉर्ड बाद में बिठाते हैं, पहले स्विच को बिठा लेते हैं। देखिए, ये ऐसा स्विच होता है, स्विच के साथ भी स्क्रू नट्स आते हैं, जैसे ये एंकर का है। अगर यहाँ पे फिट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम कुछ कर लेते हैं। प्रॉब्लम ही है, तो थोड़ा ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा हम काट लेते हैं, जिससे कि हमें ये बैठने में आसानी हो। उसके लिए हम तो फाइल करेंगे या फिर कुछ और ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। Thank you.
देखिए अच्छे से एडजस्ट हो गया। यह अच्छे से एडजस्ट हो गया है। ये देखिए ये मेंस कॉर्ड है, ये मेंस कॉर्ड हमें इसमें बिठानी है। तो ये रबर का जो यहाँ पे लगा हुआ है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेंस कॉर्ड जो है ये काफ़ी थिक है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब हमने ये मेंस कॉर्ड यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए स्विच में फेज दे दिया है, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे अर्थिंग है। हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने मेंस लगा ली है और मेंस लगाने के बाद हम ऑन करके देख लेते हैं। देखिए तो ये मेंस ऑन का यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है। अभी हम इसमें बल्ब लगा के देख लेते हैं, जिससे हम ये टेस्ट कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं। ये देखिए सब जगह अगर आप ऑन ऑफ करते हैं जो पांचों के पांचों सॉकेट्स है ये ओके है, सॉकेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ स्विच में प्रॉब्लम था, मेंस कॉर्ड खराब थी, इतना ही इसमें प्रॉब्लम था। सब ओके हो गया है। देखिए हमने एक नया स्विच बिठा दिया है, नई मेंस कॉर्ड बिठाई है, इससे ये एक्सटेंशन बोर्ड अभी ठीक हो गया है। इसे हम अब फिट कर लेते हैं।